नमस्कार, स्वागत है आपका फील स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। राजस्व परिषद की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है और उसमें बताया गया है कि UP SSC को जो अध्याचन भेजा जा रहा है लेखपाल वाला, वो वापस हो गया है। दूसरा नया अध्याचन बहुत जल्द आपको भेजा जाएगा, ठीक है। संशोधित अध्याचन होगा जिसमें त्रुटि रहित होगा, वो UP SSC को भेजा जाएगा। और इसीलिए ये नोटिस राजस्व परिषद की तरफ से जारी किया गया है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसके जो DM साहिबा हैं, कमिश्नर हैं, वो बताएं कि कितनी सीट खाली हैं लेखपाल की, कितने पद खाली हैं, उसके हिसाब से इस अध्याचन को UP SSC में भेजा जाए, ठीक है। अभी तक टिल नाउ, ठीक है, 2021 से 2025 तक, तो इसके बीच में आपको बताना है कि कितने पद लेखपाल के खाली चल रहे हैं, उनको सही तरह से भरा जाएगा। और जब अध्याचन पहुंच जाएगा तो वहां पर आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। इसी में दिखाता हूं आपको, सारी चीज़ बताता हूं। देखो, ये कल की डेट में 3/10/2024 को जारी किया गया था और ये 3 अक्टूबर है, सितंबर नहीं, तो काट दिया वहाँ से, ठीक है। और ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया था। और इसमें विषय देखो, प्रेषक आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग 4 लखनऊ सेवा में समस्त मंडल आयुक्त उत्तर प्रदेश, 18 मंडलों के जितने भी मंडल आयुक्त हैं सबको ही भेजा गया है। विषय है चयन वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक राजस्व लेखपाल के रिक्त पदों का अध्याचन उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। अब आपको जितने भी पद खाली हैं उसको आप उपलब्ध कराएं, ठीक है। अब देखो, इससे देखो महोदय, कृपया अवगत कराना है कि माननीय न्यायालय राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश के आदेश दिनांक 31/5/2024 द्वारा राजस्व परिषद को दिव्यांगजन की श्रेणी को पुनर्चिन्हित चिन्हांकन की कार्यवाही पूर्ण कराने के उपरांत नवीन अध्याचन उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग को उपलब्ध कराए जाने तथा आयोग की पुनर्चिन्हांकन की कार्यवाही पूर्ण होने तक लेखपाल पद हेतु कोई नवीन विज्ञापन प्रकाशित न किए जाने के आदेश दिए गए थे, उस टाइम पे की बात कर रहा है। उक्त आदेश के अनुपालन में आयोग ने परिषद पत्र दिनांक 19/1/2024 द्वारा 4700 पदों हेतु प्रेषित किए गए ई अध्याचन संख्या इतना को दिनांक 14/6/2024 को वापस करते हुए दिव्यांगजन की उपश्रेणियों को पुनर्चिन्हांकन कराए जाने के उपरांत लेखपाल पद हेतु नवीन अध्याचन आयोग को प्रेषित किए जाने की उपेक्षा की गई है। मतलब अब उसका पहले 4700 पद थे, अब नवीन अध्याचन जाएगा जितने भी पद खाली होंगे उसमें उतने का, ठीक है। शासन आदेश संख्या इतना दिनांक 30/9/2024 द्वारा राजस्व लेखपाल पद हेतु दिव्यांगजन श्रेणी का पुनर्चिन्हांकन किया गया है। अब देखो तीसरा पॉइंट, उक्त स्थिति में दिव्यांगजन हेतु पुनर्चिन्हांकन श्रेणियों के अनुसार चयन वर्ष 2020-21-24-25 तक के लेखपालों के रिक्त पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग को प्रेषित किया जाना है। उत्तर प्रदेश के लेखपालों के रिक्त पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग को प्रेषित किया जाना है। उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006 यथा संशोधित विहित व्यवस्था अनुसार लेखपाल का संवर्ग मंडल स्तरीय है, ठीक है। और मैंने बताया था कि पहले अभी कार्मिक विभाग का 10-15 दिन पहले नोटिस दिया कि 15 दिन के अंदर जितने भी अध्याचन है सब भेजिए, उसी की कार्रवाई की जा रही है। ये अतः इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग को चयन वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के रिक्त पदों का अध्याचन प्रेषित किए जाने हेतु तो प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक उत्तर प्रदेश शासन में अर्धशासकीय पत्र संख्या इतने दिनांक 24/6/2015 जितने भी तुम्हारे संलग्न पत्र हैं, मतलब तुम्हारे शासन आदेश सब लगा दिए गए हैं और नीचे सारी चीज़ दी गई है इसमें। अब देखो यहाँ पर द्वारा जारी रोस्टर एवं कार्मिक अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा निर्गत अधिसूचना इतने उत्तर प्रदेश विभाग उत्कृष्ट खिलाड़ियों के समूह गा के पदों पर सीधी भर्ती नियमावली 2022 संलग्न 4 जितने भी नोटिस हैं सब लगा दिए गए। नीचे पढ़ते हैं, शासन आदेश संख्या इतने दिनांक 30/9/2024 को राजस्व लेखपाल पद हेतु दिव्यांग श्रेणी का पुनर्चिन्हांकन तथा आरक्षण संबंधी अद्यतन अधिनियमों, अध्यादेशों, शासन आदेशों, नियमों और आलोकों में मंडल की लेखपाल पद की कुल रिक्तियों के सापेक्ष आरक्षण की गणना नियमानुसार करते हुए लेखपाल के रिक्त पदों का अध्याचन की गणना की जांच पुष्टि किए जाने के उपरांत चयन वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक स्वहस्ताक्षरित अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा नियत प्रारूप संलग्न 6, मतलब नीचे दिया गया है, परिषद द्वारा नियत संलग्न 7 के साथ गूगल स्प्रेडशीट पर भी दिनांक 10/10/2024 तक, मतलब 10 अक्टूबर तक उपलब्ध कराने की प्रत्येक दिशा में सुनिश्चित करें, जिससे
आयोग को अध्याचन शीघ्रता है शीघ्र प्रेषित किया जा सके। इसके अतिरिक्त मंडल आयुक्तों द्वारा इस आशय का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा कि प्रेषित किया गया अध्याचन त्रुटि रहित है एवं सुसंगत शासन आदेशों नियमों के अंतर्गत परीक्षण उपरांत प्रेषित किया जा रहा है। ठीक है, तो नीचे सारे के सारे ये मनीषा त्रिकठिया मैम के साइन हो रहे हैं यहाँ पे, और नीचे आयुक्त तो सचिव राजस्व परिषद, और नीचे आप सारे के सारे जितने भी शासन आदेश वगैरह हैं सब नीचे दिए गए हैं। ठीक है, अब आप पढ़ते रहना, इतना थोड़ी ना पढ़ाऊँगा मैं, लेकिन नीचे जो मेन चीज़ें मैं बता देता हूँ। सबके बारे में कहा गया है कि दिव्यांगजन कैसे, उत्कृष्ट खिलाड़ी कैसे, और एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सबके बारे में सारी चीज़ें शासन आदेश नीचे लगाए गए हैं। ठीक, अब नीचे आ जाते हैं हम, संलग्न 6 और 7 पे आपको मैं बताता हूँ। ठीक, तो कैसे भेजना है आपको, ये बहुत बड़ा है, मतलब बहुत पेजों का है ये, मान लो आप। तो यहाँ से देखो, ये वाले जो ये इस प्रकार से जो प्रारूप है, ये सीधी भर्ती होता अध्याचन का प्रारूप लेखपाल पद हेतु, ये चयन 2021-22-23-24-25 वाला। ठीक है, तो यहाँ पर विषय विभाग का नाम, पद का नाम, ठीक है, तो इसमें भेजा जाएगा इसको। ठीक है, राजस्व परिषद भेजेगा तुम्हारा यूपीडब्ल्यूएससी आयोग को इसके प्रारूप में बना के, पहले मंडल आयुक्त भेजेंगे राजस्व परिषद को, फिर राजस्व परिषद भेजेगा यूपीडब्ल्यूएससी को। तो आपका ये प्रारूप ये वाला है, और इसमें सारी कुछ स्पष्ट की गई है, हर चीज़ को स्पष्ट कर दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हो, और नीचे जितना भी मतलब कितना परसेंट कोटा वगैरह होता है, सारी चीज़ इसमें भी क्लियर कर दी गई, ये पूरा नोटिस है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये जो सारा का सारा प्रक्रिया है जल्दी दिखाई देगी, क्योंकि पहले से ही इसमें सारी प्रक्रिया हो चुकी थी, वापस हो गया अध्याचन। अब लेटेस्ट में 7,000 से कम पोस्ट नहीं आएंगी, ये बात समझ लो। ठीक है, और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो तुम्हारी जो अनुपूरक सूची है वो 1% ही आने की संभावना है, लेकिन नहीं आएगी, और उसमें सारी जितनी पोस्ट हैं जो खाली बची हैं वो भी इसमें ऐड होके आगे अग्रसित की जाएंगी, क्योंकि अभी मांगा गया है प्रारूप कल का है, तो आप समझ ही सकते हो। ठीक है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो। धन्यवाद दोस्तों।